हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम आई है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th की बेटा। इन द 9th इट इज रिटन एक्सरसाइज बेटा 1.3 क्वेश्चन नंबर 9th। व्हाट इज रिटन हियर बेटा? गिवन द सेट बेटा, ए दिया हुआ है मेरे पास, दैट इज 1 3 5 एंड सेट बी दिया हुआ है मेरे पास 2 4 6। आफ्टर देन सी सेट दिया हुआ है मेरे पास 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। उसने कहा कि इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो मेरे पास जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। किसके लिए? जो हमारे पास जो है नीचे सेट्स दिए हुए हैं। सेट 1 दिया हुआ बेटा 0 1 2 3 4 5 6। सेकंड मेरे पास जो है 5 सेट। थर्ड मेरे पास 0 से लेके टोटल 10 तक। फिर फोर्थ दिया हुआ है 1 2 3 so on up to 8। अब आप बताइए बेटा, सेट ए को आप कौन से जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस रिद्धि, सोचिए बेटा अभी। मैम थर्ड पार्ट। ओके, सेट ए के लिए हम थर्ड पार्ट ले सकते हैं बिल्कुल, और फर्स्ट फर्स्ट भी ले सकते हैं, वेरी गुड, और फोर्थ फोर्थ पार्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जिस सेट में आ रहे हैं वो कंसिडर होगा। बस बात यहाँ खत्म होती। ठीक है बेटा? हाँ जी रिद्धि, क्लियर हो गया बेटा। अब सेट बी के लिए फर्स्ट भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सी के लिए मेरे पास 0 2 4 6 8। फर्स्ट फर्स्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें 8 नहीं है। कौन सा आएगा? सिर्फ थर्ड। ओके बेटा, समझ आ गए? क्लियर? अब नया टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करने लगे आगे, वेन डायग्राम। बेटा हमारे पास ना हम क्या करते हैं, जैसे आपको कोई भी फिगर ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है तो क्या होता है, जब हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है या कुछ है, हम किसी तरह भी एक बाउंड्री बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? एक बाउंड्री से बनाते हैं ना शीट को लेके। ऐसे ही बेटा मेरे पास जो है क्या होता है, मैं पूरे यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, दिस इज वेन डायग्राम। ओके बेटा, पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स को किसे रिप्रेजेंट करती हूँ? यूनिवर्सल सेट से। ओके, अब यहां पर दो कोई भी सेट, मान लो ये सेट ए है, सेट बी है, कहीं यहां सेट सी है, कहीं यहां सेट डी है, हो सकता है कि नहीं? ये बेसिकली अगर कॉमन होगी, कुछ एलिमेंट्स ए में भी है कुछ बी में भी है, तो वह ऐसे ओवरलैप करेगा। जब उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो वो सेट अलग अलग भी हो सकते हैं। बात समझ आई मेरी? ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए इस यूनिवर्सल सेट में ना मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8, सिर्फ 8 तक एलिमेंट से मैंने एक सेट रिप्रेजेंट किया ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। ओके, बी सेट में एलिमेंट्स हैं 6 एंड 8, तो मैंने इसको यहां रिप्रेजेंट करना है। हम सेट को नॉर्मली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सेट ए रिप्रेजेंट हो गया, सेट बी ये हो गया, मतलब वो एलिमेंट्स को एक ही सर्कल में डाल देना, तो वो सेट, इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, यहां मैंने कुछ कॉमन नहीं था। अच्छा मान लीजिए यहां पर मेरे पास 7 भी होता तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करती? मेरे पास
मैं सेवन को यहां लिखती, ये सेट हो जाता। देखो यानी ये एलिमेंट सेवन वाला ए में भी है बी में भी है, ये कॉमन चीज है, कॉमन एलिमेंट। आगे इसको बताएंगे जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटरसेक्शन से, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको वेन डायग्राम मैंने जो है रिप्रेजेंट करना बताया। क्लियर हो गई सबको बात? ठीक है, अब देखिए वेन डायग्राम में ना मैं आपको साथ साथ ऑपरेशंस भी बताऊंगी। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में दो नंबर्स को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, ऐसे ही बेटा हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हम दो सेट्स को यूनियन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है और। यूनियन का मीनिंग क्या होता है? और। आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है जी। बाद में इसको क्लियर करती हूं कैसे। अगर मैं कहती हूं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सपोज मैंने कहा कोई भी एक एलिमेंट है वो यूनियन को बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कि अगर कोई भी एलिमेंट यूनियन को बिलोंग करता है तो दैट मींस वो एलिमेंट या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को, किसी एक में होना बहुत जरूरी। और वेन डायग्राम के थ्रू अगर एक सेट ए है, ये दूसरा सेट है बी, यूनियन शेडेड रीजन की तरह होती है। मतलब पूरा जो ये इंटरसेक्शन है वो एक ही बार आता है। मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। अगर ए सेट में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, बी सेट में मेरे पास 2, 3, 7, 8, 9 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 यानी सारे एलिमेंट्स लिखने जो रेपिटेशन वाले हैं वो एक ही बार लिखना। बात क्लियर होगी? किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलूं आगे। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स है मेरे पास ए बी सी, बी सेट है मेरे पास उसमें एलिमेंट है डी ई सी, तो ए यूनियन बी क्या होगी? वेरी गुड, ए बी सी डी ई यूनियन मीन्स। अब खुद देख लो कोई भी एलिमेंट इसमें है, मान लो मैंने ए लिया, एक्स जो है वो ए हो गया, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है? ये सेट ए को या सेट बी को या और, हमारे माइंड में अपने आप आता। यानी मैंने यूनियन की आपको हर चीज बता दी। कैलकुलेट कैसे करते हैं? यूनियन की डेफिनेशन बताई, ये डेफिनेशन है मेरे पास यूनियन की, और ये वेन डायग्राम बता। एक ऑपरेशन था यूनियन, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है बेसिकली वो बताया, उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो बताया, वेन डायग्राम बनाना है तो वो बता। बात समझ आ गई सबको? क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? ध्रुव एनी डाउट? एनी डाउट टू द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चले बेटा आगे। चलिए बेटा, नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो है नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन मेरे पास। अब इंटरसेक्शन का मतलब जो है वो होता है एंड, और बेसिकली इसको हम ऐसे उल्टा यू, यूनियन को यू से और इंटरसेक्शन को उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब क्या है एंड? हम बेसिकली क्या मतलब है, मींस ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में आने चाहिए, दोनों के दोनों कॉमन,
इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब आप सारा लेते तो सब लेने हैं, अगर कॉमन है भी तो उसको एक बार लेना है, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब आपने क्या लेना है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। जैसे मेरे पास हो गए यहां पर ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी कोई सेट है इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 4 ओनली, क्योंकि कॉमन वाला लेना, ये मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया। अच्छा वेन डायग्राम में अगर मैं बताऊं, दिस इज बी, दिस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ओके पता चला कॉमन, ठीक है जी। अब डेफिनेशन क्या है इंटरसेक्शन की, जैसे मैंने वर्ड बोला एंड आना चाहिए, उसमें एंड आता है, अगर मैं कहती हूं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बोथ वे इंप्लाइज क्या होती है कि एक्स ए को भी बिलोंग करता है एंड एक्स बी को भी बिलोंग करता है, ओके जी। यूनियन में क्या लिखते थे, और मतलब वो या ए को बिलोंग करना चाहिए या बी को, कहीं होना चाहिए। अगर मैं कहती हूं कि आप SSDPS के स्टूडेंट हो, व्हाट डज इट मींस, आइदर यू बिलोंग टू क्लास फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और अपने आप और आता है ना, स्कूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को कर रहा है ना, सारी क्लासेस के यूनियन मतलब बच्चे हो पूरे स्कूल में आ गए। लेकिन अगर मैं कहूं इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन का मतलब अगर मैं कहूं ऐसा बच्चा जो सीनियर मोस्ट क्लास में हो, सीनियर मोस्ट क्लासेस हम दो मान लेते हैं, वैसे तो प्लस टू होती है, चलो हम प्लस वन भी मान लेते हैं, हम कहते हैं ना कई बार आप सीनियर मोस्ट क्लासेस में हो फिर भी ऐसे काम करते हो, वी यूजुअली से दिस थिंग ना, तो और मैं कहूं कि वो बच्चा साइंस स्ट्रीम में भी होना चाहिए ना, तो ऑब्वियस है मेरे पास क्या आया, इंटरसेक्शन आएगी ना, और वैसे भी साइंस स्ट्रीम मतलब उसको पसंद करता हो ली ना हो, वो तो ऑप्शन जो है वो हाई टेंथ के बाद, मैं कहूँ सीनियर मोस्ट क्लास का हो और साइंस को लाइक करता हो, अगर लाइक करता होगा तो बच्चे ने प्लस वन प्लस टू में साइंस ली होगी, और सीनियर क्लासेस मतलब ऑब्वियस है हम वैसे तो 10th 11th 12th सबको सीनियर कहते हैं, बट सीनियर मोस्ट लगा दिया तो 11th 12th आ गई मेरे पास, बात समझ आई बेटा। ए बी का सबसे नहीं, हाँ बिल्कुल 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 कह सकते हो, यूनियन में नहीं होता वो तो प्रॉपर, क्योंकि हाँ वो तो है ही सबसे बड़ा सेट ना, यूनियन में सारे आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। गुरजोत ने ये कहा कि मैम हम इंटरसेक्शन को हर सेट का जो है जिस जहां से निकाली है वो उसका क्या सबसेट होता है, 100% होता है, इंटरसेक्शन इज ऑलवेज जो है अ सबसेट ऑफ ईच द सेट, हमेशा होगी, ठीक है। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि कुछ कॉमन हो, अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट है सी सपोज 1 2 3, दूसरा सेट डी है उसमें ए बी एलिमेंट है, मैं यूनियन लिखूंगी तो 100% 1 2 3 ए बी आएगा, बट अगर मैं इंटरसेक्शन लिखूं तो क्या आएगा, 5 एम्प्टी सेट, कुछ कॉमन है ही नहीं, बात समझ आई, क्लियर हो गया वेन डायग्राम में सेकंड ऑपरेशन। नाउ कम टू द थर्ड ऑपरेशन जो है, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेटा हमारे सिलेबस में से डिलीट हो गया है मैं आपको बता दूं, बट आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, कल को जब हम कई क्वेश्चंस करते हैं ना प्रोबेबिलिटी में तो ये चीजें यूज होती हैं, तो दैट्स व्हाई आपको कॉम्प्लीमेंट्री और डिफरेंस सेट की जस्ट नॉलेज देंगे, एक्सरसाइज पूरी की पूरी मेरे पास तो वो डिलीटेड है, मैं आपको बता देती हूँ जस्ट वेट, एक्सरसाइज जो डिलीट है वो 1.5 डिलीट है बेटा, हाँ जी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, और 1.4 के ऊपर
डिफरेंस ऑफ ए सेट डिलीट है, बट कई बार कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ये ऑपरेशन लगाने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो हम बच्चों को कराते जरूर है, एक्सरसाइज टाइम मत करो, ओके जी। चलिए, मैंने यूनियन बताया, मैंने इंटरसेक्शन बताया, अब इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज भी हम कर लेते हैं, ओके। लेट अस डू द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। फर्स्ट बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लो या बी यूनियन ए कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तो कोई सीक्वेंस सेट में देखते ही नहीं ना, 1 2 3 का सेट है या 3 2 1 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस लॉ को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव वर्ड मैंने याद किया होगा, कम्यूट। कम्यूट कैसे, कम्यूट मीन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, यहां हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ पोजिशंस। समझ आ गई बेटा? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी कर दो या ए यूनियन यूनियन सी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी का नेम एसोसिएटिव, ग्रुप करना, ग्रुपिंग कॉम्प्लेक्स में किया था ना हमने, क्या करते थे, यहां पहले दो का ग्रुप एसोसिएट कर दिया, ग्रुप बना दिया, यहां लास्ट दो का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 2 + 3 + 6 करवा, चाहे पहले 2 में 3 ऐड कर लो या 3 में 6 ऐड कर लो, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम हियर, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। क्लियर बेटा? क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हां जी, ओके, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, ए यूनियन फाइव। फाइव मतलब एम्प्टी सेट, उसका किसी सेट के साथ यूनियन लेंगे, आंसर तो बेटा ए ही आएगा ना, कोई चेंज नहीं हो, ओके। ध्रुव ट्राई टू राइट, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ना, अपने आप मैथ्स आना शुरू हो जाता है, इसीलिए तो स्कूल बुलाया। घर पे बैठे हो आप, लिख रहे हो कि नहीं मुझे पता ही नहीं है बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, ए यूनियन ए, ए ही हो जाएगा, पता ही नहीं, ये बड़ा सेट आता है। उसके बाद ये देखिए, यूनिवर्सल सेट, यहां यू पहले क्या है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, बड़ा सेट आता है, यूनियन में बड़ा, इंटरसेक्शन में छोटा, कॉमन, वहां कोई छोटे बड़े की बात नहीं होती, वहां कॉमन की बात, ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास बेटा प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की, सेम बिल्कुल एज इट इज चलती हैं। यहां पर मैं लिख देती हूँ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी ले लो या बी इंटरसेक्शन ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके बेटा। नेक्स्ट मेरे पास जो है सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का ग्रुप कर लो, एसोसिएटिव, इंटरसेक्शन सी कर लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके जी। नाउ द थर्ड, अब ध्यान से बेटा, ए इंटरसेक्शन फाइव, फाइव आएगा, वेरी गुड। उसके बाद मेरे पास हो गए फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए, वो भी ए ही आएगा क्योंकि दोनों ही बराबर सेट है। और लास्ट हमारे पास हो गए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ हम कह देते हैं, जिसमें हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, मैं वो लिखने लगी हूँ, दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो यूनियन और इंटरसेक्शन को बना के बनी हुई है। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ब्रैकेट ओपन कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, हम ब्रैकेट ही ओपन करते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ओके बेटा, क्लियर। अच्छा, जो मैंने एंड और की डेफिनेशन समझाई,
वो क्यों समझाई पता है? आपको मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन समझाई, आपको लगता होगा क्यों करवाई, उसका रीजन देखो कैसे हम इसको वर्डिंग में चेंज करते हैं। अगर मैंने इसी को प्रूफ करना, सपोज आई वॉन्ट टू प्रूफ दिस, मैं हमेशा सेट करूंगी लेट एक्स बिलोंग्स टू, ये देखे थोड़ा सा आपको मतलब समझाने के लिए। अब अगर एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, ये एक सेट हो गया, ये पूरा एक सेट हो गया। जब मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी ए इंटरसेक्शन बी की, तो आप बताइए मैंने क्या लिखवाया था कि एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन की जगह क्या लिखवा दिया था, एंड लिखवाया था कि नहीं? मैंने तब क्या कहा था, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू वहां बी था, तो यहां क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी, यही होगा ना। तो मैं कैसे लिखूंगी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, साथ चल रहा है ना, इसके साथ ही है ना। अब दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, मैं जस्ट वैसे ही आपको बता रही हूं कि एंड और हम कैसे चेंज करते हैं। अब इसको खोलना पड़ेगा ना, एक चीज है मैं कह रही हूं एक्स ए को बिलोंग करता ही करता है, साथ में इन दोनों में से, अब ये चलना ही चलना है, इसके आगे केसेस क्या बन गए, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, बना कि नहीं बना, यानी ए के साथ बी भी आ सकता है सी भी आ सकता है, तो यही यहां पर हम करेंगे। एंड एक्स बिलोंग्स टू, यहां बेसिकली ब्रैकेट है ना, बी और क्यों लगा, क्योंकि यूनियन है, एक्स बिलोंग्स टू सी, केस हो गया ना इनके साथ, ये चलना ही चलना है, एंड है लेकिन आगे इनमें से कोई एक चलना है, तो मैंने ओपन कर दिया, तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए जो है मेरे पास जब मैंने किया, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, फिर बीच में क्या आ गया, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, आया कि नहीं। अब देखिए एंड का मतलब क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन से, तो दैट मींस एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और को और ही रहने देना, भी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, आया कि नहीं है। आगे इसको कैसे लिखेंगे, जब ये बिलोंग छोड़ देना है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, देखो यहां पर चले, यहां पहुंच गए, अपने आप वो एलिमेंट इसको भी बिलोंग किए, यही प्रूफ करना होता है, ऐसे समझ होते हैं। वैसे प्रूफ वाले सम हमारे सिलेबस में हम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी और वैसे भी, बट कोई ऐसा प्रूफ वाला स्टेप, क्योंकि हमारे पास असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं हमें। अब असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में कोई स्टेप उसने करके आपको एंड और का उसका रीजन दिया हो और आपसे नीचे ऑप्शंस पूछी जाए, तो आपको ये स्टेप्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना, और एंड ये कैसे कन्वर्ट होता है, दैट्स व्हाई मैंने बताया, और कोई रीजन नहीं था, ठीक है जी, इज इट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चले बेटा आगे चलो। हाँ जी बेटा, अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी, अब मैं डिफरेंस के बारे में जस्ट बताने लगी हूं कि ये डिफरेंस होता है, बट मैं आपको बता दूं कि हमने हमारे सिलेबस में वो डिलीटेड है, बट कई आगे एप्लीकेशंस करने के लिए वो हमारे क्वेश्चन को इजी कर देता है, तो हम करवा रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, व्हाट डज इट मींस, ए माइनस बी, यहां माइनस वो नहीं है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, यहां माइनस का मतलब है ये अगर पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है
ये सेट बी है, देयर आर सम कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बी इन ए ना, अगर ए में से वो एलिमेंट्स निकाल दे, ओनली ए, इसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली ए, ओनली ए का मतलब जिसमें बी वाली ऑप्शन ना हो। मैं कहूं मुझे ऐसे बच्चे पता करने हैं जो सिर्फ कॉफी पीते, ओनली कॉफी, देयर माइट बी सम स्टूडेंट हु लाइक कॉफी और टी या एंड टी, एंड वाले भी हो सकते हैं ना, दोनों पसंद करते हैं, तो वो ये होंगे। बट ये कैसा है, ओनली ए, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट से। ये पार्ट क्या होगा, ओनली बी पार्ट, ओनली बी को रिप्रेजेंट करना। और ये मैंने आपको जो है वेन डायग्राम से बता दिया, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे करते हैं, पर बेसिकली इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, अगर ए सेट में से इंटरसेक्शन माइनस कर दी जाए, क्या कर दी जाए, ए सेट में से इंटरसेक्शन निकाल दी जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली ए, कॉमन वाला निकाल। ओके जी, अच्छा इसका एक और बताऊं रिप्रेजेंट करने का तरीका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट बताया नहीं, दैट्स व्हाई मैं आपको बता नहीं सकती, बाद में बताती हूँ, बट इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते, ठीक है, वो आपको बाद में अभी बताती हूँ, पहले ये बात क्लियर होगी आपको। अब जैसे देखें, ए सेट है मेरे पास, सपोज 1 2 3 4 5, बी है मेरे पास 4 5 6 7 8, मुझे ए माइनस बी लिखना है। मैं आपको बता दूं, ए में से बी माइनस करना है, ए में से जो कॉमन है 4 और 5 चले गए ना, जो बाकी बचे ए में है ना, दैट वी हैव टू राइट इट, समझ आई बात। अगर मैं बी माइनस ए कहती तो देन व्हाट विल बी द आंसर, हां जी वेरी गुड, 6 7 8, बी माइनस ए मीन्स ओनली बी को रिप्रेजेंट कर रहा। ओके, डिफरेंस का पता चल गया कि कैसे होते हैं। अब यहां पर बेटा ए माइनस बी जो है ना, वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होती, आप खुद देख लीजिए, यूनियन में होता था ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, बट डिफरेंस में ये आंसर सेम नहीं होती, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता यहाँ, बात समझ आ गई बेटा। चलिए, एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा बेटा एनी डाउट, ओके ओके बेटा, चलिए अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट, जो मैं कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताना चाहती हूँ, ठीक है, वेरी लिटिल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट, मैंने ऐसे लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट, बेसिकली हमारे पास जो है ना वहां पर लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट, ये ए आर वाई नहीं लिखते, सिंपल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट ए, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो बाहर वाला है ना सारा ए को छोड़ के, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए छोड़ दूं, बिल्कुल मान लीजिए मेरे पास ए ये है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट मेरे पास जो है 1 से लेकर 10 तक नंबर है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब मेरे पास जो है बिल्कुल क्या आ जाएगा, 6 7 8 9 10। ओके बेटा, क्लियर। अब लिखते कैसे हैं इसको, अगर मैं कहती हूँ ना
कि कोई एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट मतलब यहां, अगर वो यहां बिलोंग कर रहा है, क्या वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर कोई यहां बिलोंग करेगा तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। ओके जी, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री को सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डैश से भी कर देते हैं, एक ही बात है। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट इटसेल्फ। ओके, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट वो फाइव होगा। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, और बताती हूँ मैं, क्यों बता रही हूँ, मुश्किल नहीं है कोई, ये बहुत इजी एक्सरसाइजेस है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किया, जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो बेटा मैं आपको यहां पर बता दूं, मेरा ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है, जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाता है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, क्लियर। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चले बेटा आगे। ठीक है, ये छोटे छोटे, अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है होमवर्क, आपने क्या करना है बेटा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.4 में आपको यूनियन कैलकुलेट करने को कहा है, आपको इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने को कहा है। ठीक है, आप डिफरेंस वाले क्वेश्चंस छोड़ के आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.4, बच्चों जैसे क्वेश्चन है, ओनली वेरी इजी, आपने उसको जो है करके आना है और हम कल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर।